सीट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली हैवी हो रहा है, कैलकुलेट कर लेना। बाकी गाड़ी का जो व्हील स्पिन है वो काफी ज्यादा तक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गैरेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास है Hyundai की द ऑल न्यू 2024 Hyundai Venue SX ऑप्शनल डीजल के अंदर एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो गाइस, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ये कार रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इसका ड्राइव रिव्यू। फर्स्ट टाइम मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे ही मान लेना, डीजल के अंदर तो, एंड मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस जो होते हैं कार की, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आप लोगों को पता चल जाए नेक्स्ट वीडियो वाज गॉन लाइव, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, जिससे एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ जाए। अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ड्राइव रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, कार को मैंने फर्स्ट गियर में डाल लिया एंड कार का जो इनिशियल पिकअप है वो तो काफी ज्यादा तगड़ा है, आप लोग देख सकते हो गाइस अपनी स्क्रीन के ऊपर। बाकी कार के अंदर जो अपना इंजन है वो आता है 1.5 लीटर का, वही सेम अपना जो Hyundai Creta के अंदर आता है या वरना में आता रहा डीजल इंजन, जिसकी पावर फिगर्स है 115 bhp मैक्स पावर और 250 Nm का न्यूटन मीटर्स का जो है मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को मिल जाता है। पिकअप वगैरह आप लोग देख सकते हो कार की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है डीजल के अंदर, एंड हैंडलिंग वगैरह एक नंबर, कंफर्टेबल वाइज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कार। और मेरे को अभी गाइस जो पता भी नहीं लग रहा, और जो स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब हाई स्पीड्स के ऊपर ऑटोमेटिकली हैवी हो रहा है एंड लो स्पीड्स पे अपना लाइटर साइड पे रह रहा है, तो जो कि एक बढ़िया चीज़ है। बाकी हाई स्पीड पे और इनिशियल के अंदर जब गाड़ी खींचती है ना, मतलब जो पुश मिलता है डीजल इंजन का वो एकदम नेक्स्ट लेवल है इस सेगमेंट के हिसाब से। चाहे ये ले लो, चाहे अपनी किया सोनेट ले लो, उसके अंदर भी सेम इंजन आ जाता है, मतलब दोनों के अंदर जो बढ़िया पिकअप मिल जाता है ना। किया सोनेट मैंने पर्सनली ड्राइव नहीं करी है, बट उसके अंदर भी सेम इंजन है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी इसका जो अब तक का रिव्यू रहा है मेरा, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। गाड़ी के अंदर लेवल 1 एडास भी आ गया गए अब तो मतलब जो एक इसका स्मॉल सा अपडेट आया था उसके अंदर एडास वगैरह ऐड कर दिया गया, यहाँ पे अपना जो है लेवल 1 कैमरा बेस्ड जो इसके अंदर एडास है वो आ गया, रडार बेस्ड तो लेवल 2 होगा लेकिन इसके अंदर कैमरा बेस्ड है लेवल 1। बाकी इनिशियल के अंदर हो या जो मिड हो, तो गाड़ी का ओवरऑल जो पिकअप है वो इनिशियल के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही है, और उसके बाद मिड के अंदर भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से इंजन एकदम इसका जो है फुल ज़्यादा पावरफुल है। बाकी आप लोग देख ही सकते हो कैसी खींच रही है ये, एक मिनट के अंदर गाइस लग जाती है 100-120 तो। बाकी एक बार ये अभी हम यहाँ से यू टर्न वगैरह ले लेंगे, फिर मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में। बाकी हैंडलिंग वगैरह, गाड़ी की राइड क्वालिटी सस्पेंशन वाइज बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे डीजल गाड़ियाँ एक तो वैसे नहीं आ रही, और डीजल का जो मज़ा है जिसने पहले डीजल चलाई हुई है वो उसको ही पता है, तो बिल्कुल आप लोग कंसीडर कर सकते हो उस गाड़ी को। बाकी अभी यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी बहुत रोड मतलब ऐसी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे अच्छे से पता चल जाता है सस्पेंशन का। सस्पेंशन जो है SUV के हिसाब से थोड़े स्टिफर साइड पे होने चाहिए, तो वो बिल्कुल है इस गाड़ी के, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब बाउंसी राइड क्वालिटी है या कुछ, चाहे वो रियर सीट पैसेंजर्स के लिए भी हो, तो अभी हमारे पास रियर सीट पैसेंजर भी हैं पड़े। अभी मैंने पूछा था ऑफ कैमरा उनसे, तो उनका भी यही कहना है कि मतलब बढ़िया राइड क्वालिटी है गाड़ी की, और मतलब जैसे कई गाड़ियों में बाउंसी बाउंसी फील होता है ना, वैसी कोई बात है नहीं गाड़ी के अंदर। बाकी एक इसका हॉर्न वगैरह अगर Creta वाला हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी। अभी एक बार आप लोगों को इसका जो एडास वगैरह है वो भी टेस्ट करके दिखा देते हैं। सो गाइस, अब मैंने एक बार गाड़ी साइड में रोक लिया, अब आप लोगों को एक बार जो है कार का 0-100 पे करके दिखा देता हूँ, टाइम वगैरह आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। बाकी गाड़ी का जो व्हील स्पिन है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, और जो पिकअप है पुश मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आ रहा है। बाकी देखो एग्जैक्ट जो है 0-100 है वो, इतने प्रोफेशनल तो मैं अभी हूँ नहीं इस चीज़ों में। बाकी ओवरऑल आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो, आइडिया से मैं बता रहा हूँ वही आया होगा इसका 10-10.5 सेकेंड के आसपास, जो कि Creta का आकर अपना मैंने जब किया था पहले एक वीडियो डली हुई है Creta की 0-100 की, तो ओवरऑल ऐसा कुछ रह चुका है। अब मैं आप लोगों को एक बार इसका एडास वगैरह भी जो है टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, अब एडास जो है मैंने सेट कर दिया और 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है क्रूज लगा दिया। अभी इसमें लेवल 1 एडास आ रहा है,
और हमारे यहाँ पे थोड़ी सही भी नहीं है लाइन्स वगैरह, तो इसलिए बीच बीच में हल्का फुल्का हो रहा है ये, मतलब स्टेयरिंग इसका डाइवर्ट। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पैंट्स ऑन स्टेयरिंग व्हील आ चुका है, ये ऐसे बीप देती है और अब देखते हैं कैसे कुछ रिस्पॉन्ड करती है। सही, मतलब लेवल वन के हिसाब से सही कर रहा है। बाकी देखो अभी अपने इंडिया में ये टेक्नोलॉजी में इतना रिलाई करने वाली चीज़ है नहीं। बाकी मैंने आप लोगों को फोन दर टेस्टिंग पर्पस जो है एक बार बता दिया है कि कैसे कुछ काम करता है। इस बटन से आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो और यहाँ से अपना क्रूज कंट्रोल वगैरह ये देख लो गाइस। अभी ये थोड़ी आउट ऑफ द लाइन चल चुकी थी, पर यहाँ पे अपनी लाइंस वगैरह भी मिसिंग है, तो उस वजह से भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इसका डांस वगैरह ख़राब है या कुछ, बाकी लेवल वन डांस है, उस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा सही रखी गई है अपने पास। बाकी ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो ड्राइव रिव्यू है, मैंने अब तक ये हाईवे पे चला लिया आपके सामने, थोड़ी बहुत ऑफ रोड पैच पे भी चला के देख लिया, मतलब उस टाइम भी थी हमारी गाड़ी 50-60 की स्पीड पे, तो बढ़िया एकदम जो है इसकी परफॉर्मेंस रह चुकी है सेगमेंट के अंदर। थोड़ा बहुत रियर स्पेस इसका कहीं ना कहीं डिसेंट अमाउंट के अंदर है, थोड़ा सा अगर वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो बेस्ट इन सेगमेंट बन सकती है ये कार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंटीरियर वगैरह इसका आउटडेटेड अब तक तो लगता है नहीं, बाकी जब तक ये लगने लगेगा इतने में Hyundai का आप सबको पता ही है कि अपडेट वगैरह आ ही जाएगा गाड़ी का। बाकी ओवरऑल गाइस जो कार का ओवरऑल पिकअप है, परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, टोटली सेटिस्फाइड। कोई भी टेस्ट ड्राइव करके देखेगा, अगर आप लोग 15 लाख तक के बजट के अंदर कोई भी कार देख रहे हो, मतलब सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर, तो बिल्कुल आप लोग ये गाड़ी कंसीडर कर सकते हो। एवरेज वगैरह गाड़ी की वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी यहाँ पे TPMS वगैरह भी आ रहा है, आप लोगों को एक बार कार की जो एवरेज वगैरह है वो भी दिखा देता हूँ मैं। सो गाइज यहाँ पे अभी जो है 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रहा था अभी, वो थोड़ी हमने रैश भी चलाई है गाड़ी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो उस वजह से भी है। बाकी अभी एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने बिल्कुल जीरो कर लिया जो इसका ट्रिप मीटर वगैरह है, देखते हैं कितनी कुछ माइलेज वगैरह बनती है। अब मैं ये वीडियो सीधा जो है अपने शोरूम पहुँच के जो है कंक्लूड करूँगा। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन क्या, गाड़ी की जो ड्राइव क्वालिटी है वो बिल्कुल बेस्ट है, और अब यहाँ पे आप एवरेज जो है बिल्कुल देख सकते हो। अभी मतलब मैंने ज़ीरो किया ही है और यहाँ पे अभी ये 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे शो कर रही है, वो भाई चलाने के पर्पस पे, मतलब चलाने के स्टाइल से जो है बिल्कुल जो है एवरेज अपना रूप चेंज करती करती है, ये सबको पता ही होगा। तो गाड़ी को अगर आप गाड़ी के हिसाब से मतलब प्यार से चलाओगे एवरेज निकालने के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डीजल इंजन है, डीजल की एवरेज आपको वैसे ही पता काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो एवरेज बिल्कुल निकाल के देगा ये इंजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले आप इसको अपने ऑटोमेटिक के अंदर ले लो जिसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वगैरह पिकअप ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है Hyundai Venue का, और सस्पेंशन क्वालिटी तो है ही बढ़िया, स्टिफर साइड पे सस्पेंशन है, तो बाउंसी राइड क्वालिटी तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और वैसे भी गाइस SUV के जो अपने सस्पेंशन वगैरह हैं वो स्टिफर साइड पे ही होने चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे आपको पता है वो सेडान की तरह अगर सॉफ्ट दे देंगे तो फिर आपको बाउंसी राइड फील होगी, तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी देख सकते हो अभी भी जो है गाड़ी 17.5-18 की एवरेज शो कर रही है। सो गाइज यहाँ पे फिलहाल अब 23.6 KMPL की जो एवरेज है वो फिलहाल शो कर रही है कार। बाकी ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी होगी, सस्पेंशन वाइज होगी, चाहे पिकअप ले लो कुछ ले लो, ओवरऑल गाड़ी बिल्कुल ओके है, टिप टॉप, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो आप लोग। मेरा ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है, बाकी इतने सारे ड्राइव रिव्यूज़ वगैरह मैंने किए नहीं है, धीरे धीरे इन चीज़ों में भी परफेक्शन आ जाएगी, तो एक बार लाइक तो ठोक ही देना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। बाकी जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट डाउन बिलो, एंड Venue के परस्पेक्टिव से आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल बताना आप लोग। और बाकी अब शोरूम पहुँच के वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो गाइज फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है, शोरूम पे हम आ चुके हैं Majestic Hyundai। बाकी यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर नंबर वगैरह भी आ रहा होगा, आप लोगों को अगर कुछ भी पता करना हो गाड़ी के बारे में Hyundai किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप लोग कॉल कर सकते हो, आप लोगों को बेस्ट डील जो है प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी चैनल का नाम ले दोगे तो भी थोड़ा मिल जाएगा आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 5% जितना भी हो पाएगा, मतलब मिल जाएगा आप लोगों को, बेस्ट डील मिलेगी। बाकी इन शॉर्ट गाड़ी पे आएँ, गाड़ी की ओवरऑल मैंने जो है टेस्टिंग वगैरह अपनी साइड से कर लिया है, जो भी क्विक रिव्यू था ड्राइव रिव्यू आप लोगों को दे दिया। गाड़ी की ओवरऑल पिकअप हो, ओवरऑल राइड क्वालिटी हो, कंफर्टेबिलिटी लेवल हो, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है गाड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग अपनी उसके अंदर बकेट लिस्ट में जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। सो अब फाइनली वीडियो को एंड कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सो बाय गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर। एट लास्ट यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय गाइस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।